हाय गाइस, दिस इज अमर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा वो सेकेंड पार्ट ऑफ हॉल जो मैंने आपको कहा था कि मैंने बेवकूफ.com से लिया है, बट मैंने पिछले वाले में नहीं दिखाया। बाय चांस आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख लो यार, बहुत ही कूल एंड ट्रेंडी टॉप्स एंड ड्रेसेस दिखाए थे उसमें एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है, सो मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट। आज मैं दिखाने वाली हूँ कुछ नाइट वेयर क्लोथ्स एंड बेसिकली लॉन्च वेयर एंड उसमें मेरे पास अराउंड 7 कुछ आइटम्स हैं, सो रेडी हो जाओ बिकॉज खूब क्यूट आइटम्स देखने वाले हो। सो बाय द वे, अगर आपको बेवकूफ.com के बारे में नहीं पता तो इट्स एक्चुअली एन इंडियन बेस्ड वेबसाइट जो कि और जो भी कपड़े बनते हैं वो सब कुछ मेड इन इंडिया होते हैं एंड साथ साथ वहाँ पे आपको ये वेस्टर्न कपड़े तो मिलेंगे ही मिलेंगे बट आपको रीजनल क्लोथ्स भी मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो आज जो भी आइटम्स मैं दिखाने वाली हूँ उन सबके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, मेक श्योर दैट चेक इट आउट। एंड यहाँ पे ये कूपन कोड है जिससे आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा, सो मेक श्योर कि आप ये कूपन कोड डेफिनेटली यूज कर ले। ऑलरेडी अफोर्डेबल क्लोथ्स तो है प्लस 15% ऑल मिल रहा है, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने तो ये है मेरा क्यूट सा व्हाइट एंड ब्लैक कलर का पजामा। एंड ऑल्सो गाइज, इनमें से कुछ होंगे जो आपको ऐसे देखने में लगेंगे कि थोड़ा सा वॉर्न आउट हुआ है या कुछ, या फिर इस्त्री थोड़ी कम हो रखी हो, बिकॉज ये फ्रेशली पैक नहीं है। मैंने इनका टाइम लिया है, प्रॉपरली इनको यूज़ किया है कि ये कितने ड्यूरेबल है कि नहीं। लिटरली 2-4 बार तो धुल चुके हैं वॉशिंग मशीन में, उसके बाद ही मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। सो दिस वन इज़ समथिंग लाइक दिस। इसमें बहुत ही क्यूट से ना प्रिंट्स हैं, एनिमल प्रिंट्स हैं। तो ये इस तरीके का टी शर्ट है, काफ़ी कम्फी मटेरियल, काफ़ी क्यूट भी है। एंड इसका जो पजामा है वो भी सेम प्रिंट में है एंड कुछ इस तरीके का है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, कई बार जैसे आप अफोर्डेबल क्लोथिंग पे जाते हैं, अफोर्डेबल नाइट वेयर लेने जाते हैं, तो वो लोग पॉकेट्स ही हटा देते हैं आपके उसमें से, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दोनों साइड पॉकेट है और पिछू भी एक पॉकेट है एंड वो भी बहुत क्यूट है। और पजामा बिल्कुल ऐसा है, थोड़ा सा स्लिम फिट वाला है, खुल्ला नहीं है ये वाला जो, बट स्लिम फिट भी काफ़ी प्यारा लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड नेक्स्ट जो है वो सेम मटेरियल में है एंड इसका जो है वो है ब्लू कलर का एंड ये कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत ही क्यूट सा बेबी ब्लू कलर का है। और इसके पीछ में क्या लिखा है पता है, वो है इन लव विथ माई पिल्लो, इसलिए ये चिन्नू को बहुत पसंद आया, क्योंकि चिन्नू थोड़ी ऐसी है आलसी सी, तो ये सोती रहती है, जब इसको समय मिलता है तब ये सोती रहती है। तो ये कुछ इस तरीके का है एंड इसका जो पजामा है वो कुछ इस तरीके का है, प्लेन में नहीं है, इसमें पैटर्न है जो कि आपको क्लोजअप में पता चल जाएगा एंड इसमें चांद तारे बने हुए हैं ऑरेंज कोरल कलर में एंड पिच्छू पॉकेट है और आगे भी 2 पॉकेट्स दे रखे हैं। ब्लू वाला जो मैंने आपको दिखाया वो मैंने एक बार भी वॉश नहीं किया, आपको देख के समझ में आ गया होगा बिकॉज वो काफ़ी क्रिस्प क्लीन था। ये वाला जो है ये एक बार वॉश हो चुका है एंड इसलिए इसमें थोड़ी सलवट आपको दिख सकती है। ये है व्हाइट कलर में एंड काफी ब्रीदेबल, काफी लूज, काफी यू नो जो रात को एक्चुअल में गर्मी के समय अच्छा लगता है पहनना। एंड ये है कुछ इस तरीके, इसमें नींबू बने हुए हैं या फिर संतरे बने हुए हैं मुझे नहीं पता, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका सेम पैटर्न है पजामे में और बिल्कुल स्ट्रेट अप लूज प्लाजो टाइप ऑफ पजामी है जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, बिकॉज इट्स वाइट एंड ब्रीदेबल कपड़ा टाइप है तो हल्का सा लूज है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, तो इफ़ यू मतलब अगर आप नाइट सूट पहन के बाहर जाने वालों में से हो तो मत लो, पर अगर सिर्फ आप अपने बेडरूम में ही पहन रहे हो और घर में ही घूम रहे हो तो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, बट या काफ़ी ब्रीदेबल और काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है ये वाला, अगेन ये भी एक बार धुल चुका है एंड दिस इज इन पीच कलर जो कि पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, हल्का सा पीची कलर है। इस पर मैंने अपनी दूसरे चैनल पे पोस्ट भी करी थी एक इमेज जिसमें मैंने ये पहन रखा था, तो दिस इज हाउ इट इज। अगेन दिस इज ऑल्सो फुल स्लीव एंड इसमें लिखा हुआ है आगे डोंट बी अ प्रिक और कैक्टस की पिक्चर दे रखी है, सो या दिस इज हाउ इट इज। इसका जो है पजामा वो बहुत क्यूट है एंड उसमें पूरे भर भर के कैक्टस ड्रॉ हो रखा है जो इसके शर्ट के टॉप में है एंड या दिस, इसमें सिर्फ 2 पॉकेट्स है, पीछे का पॉकेट नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक में जो कि बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, वो है ये एंड इसका मैं पहले पजामा दिखा देती हूँ, वो है ये। इसमें स्ट्राइप्स बनी हुई है ब्लैक एंड व्हाइट एंड इसमें वाटरमेलन थोड़ा पिंकिश शेड में दे रखा है, बट ये थोड़ा सा नीचे जाके थोड़ा सा नैरो होता है बट नॉट अ लॉट, मतलब जो 2 सबसे पहले दिखाए थे वैसे नहीं है बट हाँ थोड़ा सा होता है। इसमें भी 2 पॉकेट्स है। जो टॉप है वो कुछ इस तरीके का दिखता है एंड ये भी अगेन शर्ट फॉर्म में है, सेम प्रिंट है, फुल स्लीव्स है एंड आपको आगे इस तरीके का सेम प्रिंट मिलता है और कुछ भी इसमें वो नहीं है, सेम पजामी वाला टॉप है एंड या दैट्स हाउ इट इज़। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये काफ़ी ट्रेंडी है दिखने में मुझे ऐसा लगा और ये मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग नीचे कमेंट करके बता रहे इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा लगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं शॉर्ट्स की तरफ और इनको भी कसम से गाइज मैंने लिटरली 5-6 बार पहन लिया है,
पाँच से छः बार धो भी लिया है, धोए बिना नहीं पहना मैंने अगली बार, बट हर बार धुला है। और ये है सबसे पहला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बिल्कुल प्लेन ब्लैक में है, इट्स दिस वन, एंड ये प्रॉपर शर्ट है और ये फुल स्लीव नहीं है गाइज, ये है सिर्फ इतना वाला जो 3/4 स्लीव होता है वो, एंड द कॉलर कम्प्लीटली प्लेन ब्लैक है। इसके साथ आपको ब्लैक शॉर्ट मिलती है जो कि है काफ़ी सही। मैंने इसका आपको साइज़ सही लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नाइट सूट्स पे आप टाइट चीज़ें लोगे कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा एक साइज़ लूज लोगे तो ही बेटर रहता है, सो दैट इट्स ब्रीदेबल। एंड ये शॉर्ट्स कुछ इस तरीके के हैं, एक और शॉर्ट्स वाला एंड उसमें है मेरा शर्ट है कुछ इस तरीके का, इट्स ब्लू, ये भी अगेन 4 से 5 बार धुल चुका है, एंड दिस इज़ ब्लू कलर में, थोड़ा सा डार्क वाला ब्लू, एंड इधर लिख रखा है क्वीन और ब्लू कलर का है, ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, एंड या दिस इज़ हाउ इट इज़। ये भी अगेन सेम स्लीव लेंथ का है, दैट इज़ अबाउट दिस मच, एंड या दैट इज़ इट। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शर्ट छोटू नहीं है, बिकॉज इनके नीचे शॉर्ट्स है ना, शर्ट भी काफ़ी लंबे अच्छी लेंथ के हैं, तो काफ़ी सही रहता है कि एकदम से ना ऊपर नहीं हो जाता सोते टाइम या कुछ भी, सो दैट्स गुड अबाउट दिस। और वो है कुछ इस तरीके का, एंड ये मुझे काफ़ी क्यूट लगा, इसमें ना पिंक पिल्लोज हैं एंड पिंक हार्ट पिल्लोज भी हैं। मैंने पहले सोचा था कुछ स्क्वायर बना रखा, बट फिर मैंने ध्यान दिया कि इसमें एक्चुअली पिल्लोज बने हुए हैं अलग अलग पैटर्न के, बट पिंक है उसमें मेन कलर, तो या कुछ इस तरह का लगता है, काफ़ी क्यूट लगता है ये वाला। ओवरऑल हॉल ऑफ द नाइट वेयर, सो मेक श्योर कि अगर आपको इनमें से कोई भी चाहिए हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट्स में मैं पिन कर दूंगी। इसका ये वाला कूपन कोड है, आपको डेफिनेटली यूज़ करना है अगर आपको ये खरीदना है तो। क्यों, मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि आपको 15% ऑफ और बचाने हैं, आपको और बचाने हैं, तो यार ऑब्वियसली बात है ये कोड ज़रूर यूज़ कर लेना, इट्स ऑल अबाउट दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कर देना, बहुत बहुत सारी मेहनत लगती है छोटे छोटे वीडियोस में भी, सो मेक श्योर कि आप लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड नाउ आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।